कैसे आप सब लोग? होप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और आज है 19 और अभी बज रहे शाम के 4। और आप लोगों ने सुना ही होगा, उत्तराखंड में पंतनगर यूनिवर्सिटी के नाम से बहुत फेमस है, महाविद्यालय बोलते हैं। सो वहाँ पे किसान मेला चल रहा है, तो हम लोग आज रेडी हो गए हैं किसान मेला में जाने के लिए। बहुत सालों से गए नहीं फ्रेंड, कम से कम चार पाँच साल तो हो ही गए नहीं गए। शादी के पहले गई थी, उसके बाद हम नहीं गए अभी भी। तो किसान मेला में जाने का पर्पस ये है कि अभी थोड़ा विंटर टाइम आ गया है, तो थोड़ा देखते वहाँ पे जाके फ्लावर्स वगैरह के पेड़ और क्या क्या चीज़ें हैं मुझे भी नहीं पता अभी कैसे होता है। तो अभी वहीं पे चलते हैं और दिखाते हैं हम आप सबको कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, जिनने नहीं देखा है वो भी देख लेना फ्रेंड्स कि कैसे होता है यहाँ पे। ये थोड़ा अलग टाइप का मेला है, मेला बोले तो जैसे ट्रेड फेयर्स वगैरह होते हैं, तो ये एग्रीकल्चर वाला ट्रेड फेयर होता है। तो देखेंगे उसमें कैसे क्या होता है। तो अभी हम निकल रहे घर से फ्रेंड, चलिए हमारे साथ। हम लोग पहुँचने वाले हैं पार्किंग में, पहुँचने वाले नहीं पहुँच चुके हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, सो अभी है ये एंट्रेंस, सो हम घुस रहे हैं अंदर की तरफ। तो ये गांधी पार्क बोला जाता है इसको। सो कोर्ट के पास में ही है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। 2022 का अक्टूबर का सेकेंड हाफ ईयरली सेकेंड वाला जो होता है मेला, एक होता है मार्च में एक होता है अक्टूबर में। तो अभी चल रहा है अक्टूबर का मेला। तो अभी हम सबसे पहले इधर से घुसे हैं। इधर देखिए आप ट्रैक्टर्स वगैरह, मतलब क्या न्यूज़ में टेक्नोलॉजी वगैरह है। इसमें थोड़ा मैं चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए ये न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर हैं। एवी थोड़ा मजे लेने के लिए बैठ गई ऊपर, अच्छा है। लेकिन जो भी किसान लोग हैं, जो भी एग्रीकल्चर फार्मर्स वगैरह है, तो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई, अभी देखिए ये ट्रैक्टर है छोटा वाला, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो छोटा वाला कैप्टन का ट्रैक्टर, घरेलू घरेलू यूज़ के लिए, मतलब छोटा मोटा खेती के लिए। बहुत अच्छा लुक वाइज बहुत अच्छा है। तो अभी हम आ गए हैं सेकंड रूम में। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें जो फर्टिलाइजर्स वगैरह, जो खाद और ये सब यूज़ होता है उसका ही है सारा, एडवर्टीजमेंट कह लो या फिर प्रचार कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या क्या नया टेक्नोलॉजी यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ये मशीन्स वगैरह हैं, ग्रास कटिंग मशीन्स वगैरह, टूल्स भी बहुत सारे हैं। आई थिंक ये समरसेबल है, मोटर्स है जो पंप्स जो पानी निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें ना बोरवेल भी दिखा रही मैं एक, ये देखिए ये लाइव डेमो चल रहा है यहाँ पे, ऑसम है एकदम कह सकते हो आप। कुछ भी फेक नहीं है, मतलब यहाँ पे सब कुछ आप देख के ही ले सकते हो। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हर एक चीज़। हम तो पता नहीं अब कौन सी गली में पहुँच गए। मेला तो इतना बड़ा लग रहा है, इतनी भीड़ है यहाँ पे कि क्या बोले। 100 रुपीज़ से लेके और बहुत बहुत सारा है यहाँ पे वैरायटी। अभी ये कुछ क्या है पता नहीं है, लिप्टिस का पेड़ है, उसका कुछ डेमो चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए वैरायटी, खैर कुछ और देखते हैं क्योंकि ये तो खेती वगैरह के लिए और बड़े बड़े फार्मिंग में यूज़ होता है। ये अलग अलग वैरायटी के लिप्टिस के पौधे हैं। ये है अपना आंवले का अचार और मुरब्बा और भी कैंडीज वगैरह बहुत कुछ है। एक्चुअली क्या है ना, वैरायटी इतनी है कि कुछ भी चीज़ देखो तो लेने का मन ही करता है। अब मैं लूँगी इमली, और एक खट्टे मीठी इमली है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये पता नहीं कैंडीज वगैरह है बहुत सारा, पान मसाला वगैरह। ये देखिए यहाँ पे सारा ब्रोशर्स वगैरह लगे लगे हैं।
एक्चुअली हर 6 महीने में होता है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ होती है, क्या बताएं। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये बुरांस का जूस है। अभी हम आ गए हैं थोड़ा इधर को, यहाँ पे फ्रेंड्स मेले से लाए हैं हम, क्या अभी दिखाने वाले हैं। तो जो मुझे सबसे चीज़ अच्छी लगी वो है मिर्च का पौधा, और ये मिर्च है फ्रेंड्स गोल गोल सा, देख रहे हो, ये देखिए इसमें 2 ऑलरेडी लगे हैं पेड़ में। तो इसको कल हम लगाने वाले हैं अपने गार्डन में। सो फ्रेंड्स ये जो मिर्च है ना, इसमें एक स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी क्या है, जो बंगाली मिर्च का आपने नाम सुना ही होगा, बंगाली मिर्च और टमाटर का ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड। तो ये उसके बाद ये बना है क्योंकि वहाँ पे रिसर्च सेंटर है, ये नई नई चीज़ आती रहती है। तो ये जैसे ब्लैक कलर का होता है आपने देखा होगा, इसमें थोड़ा सा है भी ये कलर, हल्का सा अगर दिख रहा है आपको तो पता नहीं कैसा होने वाला है, बट मैं लेके आई हूँ। इसमें फूल भी है, मतलब होने वाले हैं। और ये है फ्लावर, सदाबहार जैसे हम बोलते हैं, बट ये सदाबहार का हाइब्रिड है, ये वाइट और डार्क पिंक में। और ये पेड़ का नाम मुझे नहीं पता, बोला था उन्होंने बट मैं भूल चुकी हूँ, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये हम लगाने वाले हैं, और एक लाई हूँ गेंदा का पौधा। तो गेंदा भी है कलरफुल वाले में है, देखिए 2 कलर है इसमें। तो ये गेंदे का पौधा, ये 4 में पौधे लेके आए हैं, बाकी बहुत सारे सीड्स लेके आई हूँ मैं। ये मटर का सीड है, ये पालक का सीड है, और ये धनिया का सीड है, और ये मूली का शीड है। 4 शीट्स में लेके आई हूँ मैं अपने गार्डन में लगाने वाली हूँ इसको। और एक और स्पेशल चीज़ है जो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये क्या है, ये है रोस्टेड अजवाइन, ये है रोस्टेड अजवाइन। तो ये खाना खाने के बाद ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। और मैं एक लेके आई हूँ इमली, खट्टा मीठा इमली। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड टेस्ट में। और एक चीज़ लेके आई हूँ दिखाने वाली हूँ, ये देखिए थोड़ा किचन का भी सामान मैं लेके आई हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छा। सो ज़्यादा सामान नहीं लेके आई, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हम थोड़ा जल्दी निकल के आ गए थे। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये फ्रेंड्स को दिखाओगे कि किसान मेले में गए थे कि कहाँ गए थे, बट देखिए ये कंबल नहीं है, सॉरी ये ठंड में हल्का सा थिक है, इसमें कंबल जैसा हल्का सा थिकनेस है, बिस्तर में बिछाने वाला। तो ये देखिए इसमें सो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं घर पे, तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि बाइक से गए थे, रोड में धूल भी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी क्योंकि डाइवर्जन का काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा रश है शाम को। तो अभी क्या है कि जो मेला का ट्रेंड है वो है एक कृषि, मतलब जो किसान लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनको नए नए ब्रीड्स के जो बीज वगैरह खाद वगैरह मिलते हैं वो उनको मिलते हैं। और जो भी ट्रैक्टर्स वगैरह है या जो टेक्नोलॉजी जो नई आई है जैसे कल्टीवेट करने के लिए मिट्टी वगैरह, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, आपने देखा ही होगा कि सारा कुछ ओनली, मतलब ये नहीं है कि किसान का मिला है तो ओनली वही मिलेगा, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड और घर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा और कौन कौन किसान मेले में आए हैं इससे पहले। तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बने रहिए हमारे वीडियो में। आगे आने वाले वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। दिवाली आने वाली है, तो दिवाली आने से पहले सबको फ्रेंड्स हैप्पी दिवाली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।